टाइम इसमें 10 मिनट तक जाएगा, आप इसको नॉर्मल गर्म कर सकते हो। नॉर्मल गर्म करने के लिए यही प्रॉब्लम, टाइम क्लॉक का यूज़ नहीं है। ग्रिल प्रेस करेंगे आप यहाँ से 10 मिनट्स, 1 मिनट, 10 सेकंड, 1 सेकंड करके जो भी आपको टाइमिंग देंगे वो यहाँ से देंगे ग्रिल में, और स्टार्ट करेंगे। ग्रिल होता है कोई चीज़ रोस्ट करनी है सिर्फ उसको भूनना है। इसके साथ दो ग्रिल दी हुई होंगी, एक छोटी एक बड़ी, तो वो प्लास्टिक के ऊपर ही रखी जाएगी, उसके ऊपर रख करके कोई चीज़ भून सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। कन्वेक्शन सिर्फ बेकिंग के लिए, बेकरी वाले काम, बिस्किट, नान कटाई वगैरह के लिए, केक वगैरह के लिए। कन्वेक्शन प्रेस करेंगे 110 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर 200 टेम्परेचर हमको देना है, हम इससे इसी से को प्रेस करके देंगे। ठीक है, जो भी हमको देना है उसके बाद हम टाइमिंग यहाँ से देंगे। ठीक है, जो हमको देनी है स्टार्ट करेंगे। वेट डिफ्रोज फ्रीज से निकला सामान नॉर्मल करने के लिए, चीज़ वगैरह है, आइस आ गई है, उसको नॉर्मल करना है। उसको वेट दे देंगे 100 ग्राम्स में आ रहा है। ठीक है, 100 ग्राम्स, 200, 300, 400, 500 उस आइटम का वेट होगा। हाँ, उसका वेट अंदाजा इतना है। हाँ। और आइस आ रही है उसको। अच्छा। 700 ग्राम है, मैंने अंदर रख दिया, 700 ग्राम पे करके स्टार्ट कर दूंगा तो टाइमिंग खुद ले लेगा, टाइमिंग और टेम्परेचर। तो इस टाइम इतने टाइम में उसको डिफ्रोज कर देगा। माइक्रोवेव पावर लेवल गैस में होने वाले सारे काम, ए टू जेड कुकिंग करनी है, इसमें कोई चीज़ कुक करना है माइक्रोवेव पावर लेवल प्रेस करनी है। PH1 100 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा, इसमें मिनिमम टेम्परेचर 0 है, टेम्परेचर भी आपको यहीं से देना होगा। कोई भी चीज़ कुक करना है वो यहाँ पर करेंगे, टेम्परेचर दे के टाइमिंग दे के स्टार्ट करेंगे। माइक्रो प्लस ग्रिल में 2 ऑप्शन होते हैं, जब इसको 1 टाइम प्रेस करोगे आप C1 आएगा, 2 टाइम प्रेस करोगे C2 आएगा। C1 में पकाएगा कम, रोस्ट ज़्यादा करेगा, लाइक पनीर टिक्का वगैरह बनाने वो C1 में। C2 में पकाएगा भी और रोस्ट भी करेगा, जैसे कि चिकन टिक्का जो अंदर से पकाना भी और रोस्ट भी करना है। यहाँ से देखे टाइमिंग देनी है फिर स्टार्ट करना। ग्रिल में ग्रिल यूज होंगी, कन्वेक्शन के लिए ब्लैक ट्रे दे ली है वो यूज़ करूँगी आप। माइक्रो प्लस कन्वेक्शन में पिज्ज़ा वगैरह, सॉरी हाँ, जो चीज़ पकानी है और बेक भी करनी है उसको प्रेस, उसको कर सकते हो। उस पर प्रेस करेंगे आप 110 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे भी 200 है। टेम्परेचर आपको यहीं से देना है, टाइमिंग आपको यहाँ से देनी है और स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टीम क्लीन बाय स्टीम प्रेस करेंगे, 5 मिनट का फिक्स प्रोग्राम है ये, कैविटी को क्लीन करने के लिए होता है। कोई चीज़ गिर गई है, छींटे वगैरह आ गई है इसके अंदर, जल गया है, छूटता नहीं है, ब्लैक हो जाता है। माइक्रो क्लीनर आता है, उसको स्प्रे करके 5 मिनट के लिए इसको चला देंगे। अच्छा। और पूरे चलने के बाद इसको निकाल के सूखे कपड़े से क्लीन करेंगे, इसलिए साफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हीट वॉम खाने को नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करने के लिए होता है। हीट वॉम प्रेस किया आपने और टाइमिंग दे दी 1/2 घंटा। मान लीजिए आपके यहाँ गैस स्टार है, आपने गैस में खाना बना लिया है, ठंडा हो गया, तो आधे ठंडा ना हो तो आधे घंटे के लिए आप आ रहे हो तो आधे घंटे के लिए अंदर रख दिया और स्टार्ट कर दिया। आधे घंटे तक खाने को जलाएगा नहीं, गर्म रखेगा, ठंडा नहीं होने देगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म रखेगा। डिओड्राइज कभी कोई चीज़ इसमें बनाई है ऐसी कि स्मेल आ रही है तो उसको 5 मिनट के लिए चला देंगे, पूरा चलने देंगे, उसके इसमें से धुआं वगैरह भी निकलेगा तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो निकलता है। जल के खाना जो स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है, स्मेल अपने आप बाहर। यूज़ करते वक्त इसे ऊपर से ढक के नहीं रखेंगे, दीवार से थोड़ा हटा के रखेंगे। ठीक है, ये आपके ऑटो को मेन्यू है, यहाँ पे ना ही टाइम देना ना ही टेम्परेचर, सिर्फ क्वांटिटी देनी है। जैसे कि बेवरेज 1 कप 2 कप 3 कप, मैक्सिमम 3 कप चाय या कॉफ़ी वगैरह का मटेरियल बाउल में डाल दिया आपने, अंदर रख दिया और स्टार्ट कर दिया, इतनी देर में वो चाय या कॉफ़ी बना देगी, खुद टाइमिंग टेम्परेचर ले लिया। कहने का मतलब इतना ही है, यहाँ पे टेम्परेचर भी हम दे रहे थे टाइमिंग, यहाँ टाइम नहीं देना, टेम्परेचर नहीं देना, सिर्फ क्वांटिटी देना। जैसे रीहीट गर्म करना है 200 ग्राम से 1 ग्राम से 300 ग्राम, 400, 500, 600, अच्छा ठीक है, 800 ग्राम में स्टार्ट कर देंगे, उतनी देर में उसको गर्म कर देगा। केक वगैरह 1/2 किलो तक केक बना सकते हो आप, स्टार्ट कर देंगे, टाइमिंग टेम्परेचर खुद ले लेंगे, उतनी देर में। बस इसी तरीके से